हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आज के जो हमारे चित्रकार रहेंगे इनका नाम है मुकुलचंद डे। ये एक फेमस चित्रकार हैं, ये छापा कलाकार भी हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इनका जन्म जो है 1895 ईस्वी में और मृत्यु 1989 में भी थी। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि मुकुलचंद डे का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 23 जुलाई 1895 को श्रीधर खोला, वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलचंद ने कला शिक्षा किससे और कहाँ प्राप्त की थी। तो इनकी जो कला शिक्षा रही है, आरंभ में रविन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में शांति निकेतन में, तत्पश्चात अवनीनाथ टैगोर से इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से भी शिक्षा ली हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा कि शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी, तो कलकत्ता स्कूल से भी ली हुई है। अगला है, भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुआ कौन थे। तो अगुआ कलाकार आपके मुकुलचंद डे थे, ड्राई पॉइंट एचिंग के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका मुकुलचंद डे। अगला है, मुकुलचंद डे ने एचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की हुई थी। अगला है, तो इसका आंसर है कि अमेरिका के शिकागो से इन्होंने जेम्स ब्लेडिंग स्लोन और बर्थ जैक्स के निर्देशन में एचिंग की शिक्षा प्राप्त की हुई थी। तो कहाँ से, अमेरिका के शिकागो से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कलाकार जो शिकागो सोसाइटी ऑफ टीचर्स के जीवन के प्रयत्न सदस्य रहे हैं, तो वो कौन से आपके रहे कलाकार, तो मुकुलचंद डे। अगला है कि 1928 ईस्वी में मुकुलचंद डे ने किस कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए थे। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि है कोलकाता। अगला है, किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया हुआ था। तो इसके भी राइट आंसर आपके मुकुलचंद डे हो जाएंगे। तो इसका इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, 1940 के दशक में उत्तरार्ध में के दौरान किस भारतीय कलाकार ने बड़े पैमाने पर सुरूल के टेराकोटा मंदिरों की फ़ोटो खींची, जिसे बाद में वीरभूमि टेराकोटा नामक एल्बम में 1959 में ललित कला अकादमी में नई दिल्ली में प्रकाशित भी कराया था। तो ये आपके मुकुलचंद डे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वीरभूमि टेराकोटा नामक एल्बम इन्होंने छपवाया था 1959 में। तो ये आपके मुकुलचंद डे से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, इंपॉर्टेंट थे, तो उनको डिस्कस किया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।